मुक्त कश्मीर, सावधान, यहाँ कार्य प्रगति पर है। ये एनकाउंटर स्टार्ट हुआ और सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ और उसमें ये दो डेड बॉडीज मिली हैं विद लॉट ऑफ आर्म्स एंड एमिनिशन एंड वन ऑफ देम इज दुजाना। 258 का टारगेट, 7 महीने में 106 आतंकी ढेर। ये एलईटी का जो है वो कश्मीर का कमांडर था और ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। चाहे पत्थर चलाओ या गोली, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। एनकाउंटर साइट पे पथराव हुआ, उसको इफेक्टिवली डील किया गया और एक दो जगह और छोटा मोटा चल रहा है, बट सिचुएशन अंडर कंट्रोल। आतंकियों के हेडक्वार्टर पाकिस्तान से आतंक की एंटी टेरर रिपोर्टिंग। पाकिस्तान के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि तहरीक आजादी है कश्मीर, तहरीक पाकिस्तान का तसलसल है। भारत के खिलाफ और कश्मीर को लेकर एक नई एक जंग और एक नई एक मुहिम छड़ी है, उसका एक हिस्सा अंदर चल रहा है। हाफिज सईद की आतंक की फैक्ट्री तक पहुंचा आज तक। मेरे साथ तला सईद हैं, प्रोफेसर हाफिज सईद के साहिबजादे भी हैं और कहीं ना कहीं अब जमीयत दावा जो है वो भी चलाते हैं। नमस्कार, दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम आतंक मुक्त कश्मीर के कार्य में प्रगति करती भारत मिली बड़ी कामयाबी का विश्लेषण करेंगे और कश्मीर में लश्कर के सबसे बड़े कमांडर अबू दुजाना के एनकाउंटर और उसकी आतंकी जीवनी पर आधारित रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन खबरदार की शुरुआत आज तक की उस एक्सक्लूसिव खबर के साथ जिसे आज तक की टीम ने पाकिस्तान के लाहौर में जाकर, लश्कर के गढ़ में जाकर तैयार किया है। अपनी एंटी टेरर रिपोर्टिंग के पार्ट वन में कल हमने आपको पीओके में फलते फूलते आतंकवादियों और चीन के कब्जे की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। अपनी इस मुहिम के तहत आज हम आपको पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी रैली की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आपने YouTube और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में आतंकी रैलियों के वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज तक पहला भारतीय न्यूज चैनल है जिसने लाहौर में 30 आतंकवादी संगठनों की रैली की ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग की है। आज तक भारत का इकलौता न्यूज चैनल है जिसने दुनिया भर के आतंकियों का हेडक्वार्टर बन चुके पाकिस्तान से एंटी टेरर रिपोर्टिंग की है, जिसका पार्ट टू अब हम रिलीज कर रहे हैं। आतंकियों के हेडक्वार्टर पाकिस्तान से आतंक की एंटी टेरर रिपोर्टिंग। हम पूरा समय दे रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। काम पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री तक पहुंचा आज तक। आतंक की राजधानी लाहौर से आज तक की खुफिया रिपोर्ट। कश्मीर के लोगों ने कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तान में आतंकवादियों के जलसे की जो तस्वीरें देख रहे हैं, वो तस्वीरें आज तक के कैमरे ने आतंकवादियों के गढ़ में घुसकर ऑन स्पॉट रिकॉर्ड की। मैं इस वक्त लाहौर में खड़ा हूँ, ये लाहौर का दिल कहलाता है और माल रोड से कहते हैं इस इलाके को। अगर देखें तो मेरे आगे पीछे जो इलाका है, एक तो लाहौर का कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी है लाहौर में, और उस बीच इस साल पाकिस्तान में जिस अंदाज से भारत के खिलाफ और कश्मीर को लेकर एक नई एक जंग और एक नई एक मुहिम छड़ी है, उसका एक हिस्सा अंदर चल रहा है। अपनी एंटी टेरर रिपोर्टिंग के असाइनमेंट पर पीओके से होते हुए आज तक संवाददाता अशरफ वानी लाहौर पहुंचे, जहां आतंकवादियों की भव्य रैली का आयोजन अपने पूरे शबाब पर था। स्टेज पर माइक से आतंकी बोलियां गूंज रही थी और स्टेज के नीचे हजारों लोगों की भीड़ आतंकियों के भाषण पर झूम रही थी। मीडिया में भी मौजूद है, इदारों में। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन नन्हे हाथों में भारी भरकम बंदूकें थमा दी गई थी, मानो आतंकवाद का विज्ञापन चल रहा। वैसे तो पूरा का पूरा पाकिस्तान ही आतंकवादियों का हेडक्वार्टर है, लेकिन पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों की जमातें लाहौर से अपना बिजनेस चलाती हैं।
आज तक की टीम जब अपनी एंटी टेरर रिपोर्टिंग के लिए लाहौर पहुंची तो वहां दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की रैली चल रही थी, जो पाकिस्तान में एक्टिव एक दो नहीं बल्कि 30 आतंकी संगठनों का समूह है। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल का नेतृत्व हाफिज सईद का आतंकी संगठन जमात उल दावा करता है। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल में शामिल आतंकवादी संगठन भारत और अमेरिका की बर्बादी की कस्में खाते हैं। ये जुर्म करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आज तक पहला भारतीय न्यूज चैनल है जिसने लाहौर में आतंकी रैलियों की लाइव कवरेज की है। अब आपको इस रैली के आतंकी किरदारों से मिलवाते हैं, गौर फरमाइए। नाम हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, ऑपरेशनल कमांडर लश्कर ए तैयबा, ठिकाना लाहौर। हाफिज अब्दुल रहमान मक्की आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के मुखिया और पाकिस्तान के आतंकी नंबर वन हाफिज सईद का बहनोई है। हाफिज सईद जब से नजरबंद है तब से मक्की ही लश्कर के सारे कारनामों की स्क्रिप्ट लिख रहा है। सुनिए मक्की कैसे अपनी गंदी जुबान से कश्मीर का नाम ले रहा है। अल्लाह की कसम, मुझे पानामा के लूटे पैसों का, पाकिस्तान के चोरी शुदा अमवाल का उतना फिक्र नहीं जितना तारीख के आजादी ये कश्मीर के कत्ल का गम है। मगर मैं एक बात कहूंगा, इंशाअल्लाह मुजाहिदीन अपना काम करेंगे, फौजें कश्मीर में उनकी आ रही है, जिहाद जारी है। लाहौर के बीच चौराहे पर कश्मीर में कत्लेआम मचाने की कस्में खाई जा रही थी। आतंकी रैली में एक एक करके किरदार आ रहे थे और आतंकी बोली में चीख रहे थे। मिलिए एक और किरदार से। नाम तलहा सईद, पहचान आतंकी हाफिज सईद का बेटा, काम आतंकवादियों की भर्ती। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद पाकिस्तान में आतंकवादियों की जमात का नया चेहरा है। हाफिज सईद की गैर मौजूदगी में आतंकवादियों की भर्ती का काम खुद तलहा सईद कर रहा है। पीओके में कई आतंकवादी कैंप भी चलाता है और रैलियां करके लोगों को भड़काता है। आज तक के कैमरे में आतंकी तलहा सईद ऐसा करते हुए रिकॉर्ड हुआ है। जब पाकिस्तान बनने जा रहा था तो पाकिस्तान बनने से चंद अय्याम कबल कश्मीर के लोगों ने कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर डाला था। इस एतबार से मैं ये कह सकता हूँ कि तहरीक आजादी है कश्मीर तहरीक पाकिस्तान का तसलसल है। मैं आज इस कॉन्फ्रेंस के तवज्जो से लाहौर शहर के बीचों बीच मॉल रोड पर चल रही आतंकियों की ग्रैंड रैली में एक एक करके आतंकवादियों के आका आते, भारत के खिलाफ नफरत का जहर उगलते और मंच के नीचे खड़े लोग पागलों की तरह तालियां बजाते, नारेबाजी करते, बंदूकें लहराते, शोर मचाते रहे और पाकिस्तान के तमाम न्यूज चैनल आतंकी रैली का सीधा प्रसारण करके पूरे पाकिस्तान में आतंकवाद का प्रचार प्रसार करते रहे। पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन बाग होगा क्योंकि ये मजलूमों की आवाज है। और मेरे भाइयों, जो कश्मीर की तहरीक है, ये मजलूम कश्मीरियों की तहरीक है, पाकिस्तान की तहरीक है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तहरीक है। मुश्फिक बाप हजरत मौलाना समीउल हक साहब, जिस पाकिस्तान में आतंकवादियों को खुली छूट मिलती हो उस पाकिस्तान में ऐसी रैलियां कोई चौंकाने वाली बात नहीं। लेकिन ये पहली बार है जब किसी हिंदुस्तानी न्यूज चैनल ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के हेडक्वार्टर में घुसकर आतंकी रैलियों को कवर किया है, क्योंकि देश के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बेनकाब करना आज तक अपना फर्ज समझता है, फिर चाहे वो आवाज बॉर्डर पार से ही क्यों न उठे। अशरफ वानी, लाहौर, पाकिस्तान, आज तक। आपने देखा कैसे पाकिस्तान में आतंकवादियों को कितनी सुविधाएं मिलती हैं, आतंकवादी रैलियां करना कितना आसान होता है। पाकिस्तान से आज तक की एंटी टेरर रिपोर्टिंग से पाकिस्तान का आतंक चरित्र बेनकाब हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान में आतंकी मक्की जैसे हाफिज सईद के गुर्गे खुलेआम रैलियां कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने आतंकी नंबर वन हाफिज सईद की नजरबंदी का नाटक कर रहा है। पाकिस्तान ने आतंकवादी हाफिज सईद की नजरबंदी 2 महीने और बढ़ा दी है। इसकी जो वजह पाकिस्तान ने बताई है उससे यह साबित होता है कि बबूल के कांटे अब पाकिस्तान को चुभना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जिस पाकिस्तान में आए दिन आतंकवादी रैलियां करते हों वहां एक हाफिज सईद को नजरबंद करके पाकिस्तान दुनिया को बताना क्या चाहता है। मैं अपने सब भाइयों को यह गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वक्त बैरूनी दबाव पर
हुकूमत ने पाकिस्तान 6 महीने हो गए पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी नंबर 1 हाफिज सईद की बोलती बंद है। जिस पाकिस्तान के इशारों पर हाफिज सईद आतंक का आका बना फिरता था, आज उसी पाकिस्तान ने उसके घूमने फिरने तक पर बैन लगा रखा है। आज एक बार फिर हाफिज सईद की नजरबंदी 2 महीने के लिए बढ़ा दी गई और ये है उस ऑर्डर की कॉपी जिसमें हाफिज सईद के आतंकी होने की गवाही खुद पाकिस्तान की सरकार दे रही है, जिसके मुताबिक हाफिज सईद और उसके साथियों की रिहाई के बाद उनके संगठनों के कार्यकर्ता पूरे पाकिस्तान में बवाल मचाने की योजना बना रहे हैं। हाफिज सईद के रिहा होने पर उसकी अगुवाई में पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग है। अगर हाफिज सईद को रिहा कर दिया जाता है तो उसे पूरे पाकिस्तान में एक हीरो की तरह पेश करने की तैयारी की जा रही है। जमात उद दावा के लीडर अब्दुल रहमान मक्की ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए हाफिज सईद की रिहाई पर बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। हाफिज सईद की रिहाई के बाद उसके संगठन के लोगों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की बड़ी संख्या में हथियार जुटाए। हाफिज सईद की नजरबंदी खत्म करने से देश की शांति और सुरक्षा को बड़ा खतरा होगा और इन दलीलों के साथ हाफिज सईद की नजरबंदी की मियाद 60 दिन और बढ़ा दी गई। इससे पहले भी हाफिज सईद की नजरबंदी को 2 बार बढ़ाया जा चुका है और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा को आतंक की फैक्ट्री बता चुके हैं। In the past, they had some sort of license to move around and license to continue with their work, which was not really terrorist related, but they could be dangerous to the to our own society. So we have taken some stern actions against them. These are known organizations which have been banned in the past, like Lashkar-e-Taiba or Jamaat-e-Dawa. These organizations in the past were connected indirectly with the terrorist attacks within Pakistan and outside Pakistan. यकीन नहीं होता पाकिस्तान अपने प्यारे आतंकवादियों के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है। पाकिस्तान का ये यू टर्न यूं ही नहीं है। उसे पता है कि दुनिया के सामने मिट्टी में मिल चुकी उसकी इज्जत को बचाने के लिए हाफिज सईद का मोह तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। हाफिज सईद की गिरफ्तारी पक्का पाकिस्तान की मजबूरी ही है, क्योंकि जिस पाकिस्तान में आतंकवादियों की लंबी जुबानें जब चाहें जहर उगल रही हों, जिस पाकिस्तान में गली गली में आतंकवादियों की हुकूमत चलती हो, जिस पाकिस्तान में खुद सेना के इशारे पर आतंकवादी भारत के खिलाफ भड़काऊ रैलियां करते हों, उस पाकिस्तान में एक हाफिज सईद को नजर बंद करके आखिर पाकिस्तान साबित क्या करना चाहता है। आज तक ब्यूरो हाफिज सईद जब तक पाकिस्तान के इशारे पर भारत की शांति भंग करता रहा, भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देता रहा, तब तक पाकिस्तान को हाफिज सईद की गिरफ्तारी की सुध नहीं आई। और जब हाफिज सईद अपने ही आकाओं के सिर पर बैठकर नाचने लगा तो उसे नजरबंद कर दिया गया। यह पाकिस्तान का वो दोहरा चरित्र है जिसे अब पूरी दुनिया पहचान चुकी है। यही वजह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकियों की पनाहगाह घोषित कर दिया। अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को आतंकी देश भी घोषित कर दिया जाएगा। कश्मीर में जान पर खेलकर आतंकवादियों के खात्मे में लगी देश की सेना सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को आज हम सभी को सल्यूट करना होगा कि आतंक मुक्त कश्मीर के लिए जब टीम इंडिया एक साथ आकर पूरी ताकत के साथ जुट जाती है तो फिर अबू दुजाना जैसा वो आतंकवादी भी मारा जाता है जो सुरक्षा बलों से 11 बार बचकर भाग चुका था। आज लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी आतंकवादी अबू दुजाना के खात्मे के साथ ही कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट को बड़ी कामयाबी मिली है। मई से कश्मीर में आतंकवादियों की सफाई का जो अभियान चला है उसमें सुरक्षा बलों ने 90 दिन के अंदर 88 आतंकवादियों को मार गिराया। यह बहुत बड़ी कामयाबी है जिसमें पत्थरबाजों ने भी रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों के जज्बे को कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकेगी। ये देश के जवानों की बंदूक से निकल रही गोलियां नहीं, ये देश के जवानों की वो कसम है जिसमें जिद है आतंक मुक्त कश्मीर बनाने की, जिसमें जिद है कश्मीर से आतंकवादियों को ऑल आउट करने की, जिसमें जिद है कश्मीर में हर आतंकवादी को चुन चुन कर मारने की। ये दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के
हरकीपुरा गांव का वही घर है जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का सबसे बड़ा कमांडर। अपडेट ये है कि जिस घर में छुपे हुए थे टारगेट हाउस को आग लगा दिया गया है और अभी फायर ब्रिगेड के द्वारा उसको पानी डाल के फिर हम लोग सर्चिंग की कार्रवाई करेंगे। उम्मीद है दो मिलिटेंट मारे गए। इस सबसे अहम एनकाउंटर में जो आतंकवादी मारा गया वो अबू दुजाना था, जो पाकिस्तान से आया लश्कर-ए-तैयबा का वो आतंकवादी था जो पिछले 3-4 साल में कश्मीर में मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन गया था। 11 बार अबू दुजाना सुरक्षा बलों के हाथों में आते आते रह गया था, लेकिन इस बार वो अपने लोकल आतंकवादी के साथ आखिरकार मार गया था। ये कश्मीर में इस साल उस टीम इंडिया की सबसे बड़ी कामयाबी है जिस टीम इंडिया में भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के वीर जवान कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करने के लिए एक साथ कमर कस चुके हैं। अबू दुजाना को मार गिराने के साथ ही टीम इंडिया ने अपने 258 के टारगेट में इस साल 106 आतंकी मार गिराए। इस कामयाबी के लिए सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को सलाम करना चाहिए। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसके घर को कार्डन किया और वहाँ जो इनमेट्स थे उस घर के उनको बाहर आने के लिए मजबूर किया ताकि वो लोग इसका शिकार ना हो। उसके बाद ये एनकाउंटर स्टार्ट हुआ और सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ और उसमें ये दो डेड बॉडीज मिली हैं विद लॉट ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन एंड वन ऑफ देम इज दुजाना। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन बिकॉज दुजाना हैड इन द लास्ट 3 years plus that he was operating in South Kashmir had become slightly iconic, and while he was not into many major terrorist operations in the last few months, but before that he has been involved in a lot of operations against security agencies, and off late he had become a larger than life personality on the social media, and that was leading to recruitment in the environment, and his killing will definitely ensure that the levels of recruitment in South Kashmir will come down slightly. देखिए इसमें जो है वो बहुत अच्छा सभी लोगों का जो है समन्वय है और अच्छी इंटेलिजेंस है लोकल पुलिस की, अदर एजेंसीज की और आर्मी की और सीआरपीएफ की, और सब लोग जॉइंटली ऑपरेट कर रहे हैं और इसलिए सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। और जैसा कि आपने कहा कि 106 टेररिस्ट जो हैं वो इस वर्ष न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। कश्मीर में आतंकवादियों के पूरी तरह से सफाई के लिए सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया है उसमें मई से बड़ी कामयाबी मिल रही है। मई से लेकर जुलाई तक 3 महीने में सुरक्षा बलों ने 68 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसमें मई और जून में आतंकियों से लड़ते हुए सुरक्षा बलों के 25 जवान शहीद भी हुए, लेकिन जुलाई में 21 आतंकवादी मारे गए और सुरक्षा बलों ने खुद को कोई नुकसान होने से बचा लिया। अब अगस्त का पहला दिन अबू दुजाना को मार गिराए जाने की अच्छी खबर के साथ आया है। कश्मीर में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस बड़े तालमेल के साथ काम कर रही है जिससे बड़ी कामयाबी मिल रही है। आम कश्मीरी भी आतंक से परेशान है, अब लोकल इंटेलिजेंस भी सक्रिय है, आतंकियों की सूचनाएं मिल रही हैं। आतंकियों के गढ़ दक्षिण कश्मीर में अब भी 115 आतंकी सक्रिय हैं जिनका सफाया आने वाले दिनों में तय है। राइट नाउ वी हैव अ फिगर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 115 आउट ऑफ विच 10 टू 12 आर फॉरेन मिलिटेंट्स एंड द बैलेंस आर लोकल टेररिस्ट। फर्स्टली आई हैव बीन सेंडिंग आउट एन अपील दैट फर्स्टली द लोकल्स द यंग बॉयज शुड not join militancy because it is not going to take them anywhere, and we are also making an appeal to those people who have joined or just joined to come back. bahut achhi success mil rahi hai, intelligence based operations hai, well coordinated operations hai, aur abhi operations ki successes aap dekh rahe hain aur aage bhi isi prakar ki definitely successes milengi aur operations chalte rahenge. कश्मीर में आतंकवादियों का जब भी एनकाउंटर होता है तो वो आतंकवादी पत्थरबाजों की भीड़ इकट्ठा करके खुद को बचाने या एनकाउंटर साइट से भाग निकलने का मौका देखते रहे। आज मारा गया लश्कर आतंकवादी अबू दुजाना भी इसी तरह से 11 बार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से भाग निकला। दुजाना को बचाने के लिए पुलवामा के हरकीपुरा गाँव के उस घर के आसपास भी 100 पत्थरबाजों की भीड़ जुट गई थी, लेकिन पत्थरबाजों को भी कोई मौका नहीं दिया गया। एनकाउंटर साइट पे पथराव हुआ, उसको इफेक्टिवली डील किया गया और एक दो जगह और
छोटा मोटा चल रहा है बट सिचुएशन अंडर कंट्रोल। मॉब इकट्ठा हुए थे, पत्थरबाजी भी हुई थी, लेकिन उसको इफेक्टिवली जो है वो सीआरपीएफ और जेके पुलिस ने उसको जो है वो इंटरफियर नहीं करने दिया किसी प्रकार से मिलिटेंट ऑपरेशन में, और मिलिटेंट ऑपरेशन सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ। ये कश्मीर के पत्थरबाजों के लिए भी सीधा मैसेज है कि चाहे पत्थर फेंक लो या फिर कुछ भी कर लो, आतंकवादियों को बचा नहीं पाओगे। आतंकवादियों को बचाने के लिए इकट्ठा होने वाले ये पत्थरबाज भी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के इरादों को अब टिका नहीं पाएंगे। Let the security forces do their job. These things won't happen. आतंकवादी हो या फिर आतंकवादियों को बचाने वाले पत्थरबाज, कश्मीर में देश के जवानों की कसम के आगे अब किसी की नहीं चलेगी। जिस तरह से कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट सुपर हिट हो रहा है, उसमें सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए, शब्द कम पड़ जाएंगे। हमारे सुरक्षा बलों ने जो भी कार्रवाई कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, और सख्ती के साथ कदम जो उठाने का आवश्यकता है वही कर रहे हैं। अच्छी कामयाबी है, ऐसी चीजें होंगी तो अमन आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें जो हैं खत्म हो और हम लोग आजादी का सांस ले सके। इधर आतंकवादियों के सफाई का अभियान, पत्थरबाजों को किसी भी तरह से बर्दाश्त न करने का सीधा मैसेज, और उधर आतंक के एजेंट बने अलगाववादियों का ऑपरेशन। कश्मीर का स्वच्छता अभियान पूरा जोर पकड़ चुका है। आतंकवादी, पत्थरबाज और अलगाववादी इससे बौखलाएंगे जरूर, और कश्मीर को जलाने की भी अपनी करतूतें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन टीम इंडिया भी कसम खा चुकी है, जब तक चुन चुन कर तोड़ेंगे नहीं, तब तक कश्मीर और देश के असली दुश्मनों को छोड़ेंगे। श्रीनगर से अशरफ वानी, शुजाउल हक, दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, अशोक सिंघल और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। ये सिलसिला अबू दुजाना के खात्मे के साथ नहीं रुकना चाहिए, नहीं ये रुकेगा, क्योंकि जिस तरह से अबू दुजाना का खात्मा हुआ, जिस तरह से 3 महीने के अंदर बड़े पैमाने पर बड़े बड़े आतंकवादी ढेर किए गए, वो बताता है कि आतंक से परेशान कश्मीर में स्थानीय लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। सुरक्षा बलों को भी नुकसान कम हो रहा है, सुरक्षा बलों के ऑपरेशन भी सटीक हो रहे हैं। आतंकवादियों, आतंकवादी हमलों और एंटी टेरर ऑपरेशन के बारे में आंकड़े जुटाने वाले साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार जम्मू कश्मीर के अंदर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जुलाई 2016 से अब तक 199 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। 2017 में जुलाई तक 7 महीने में अब तक 111 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इसमें भी मई से शुरू हुए ऑपरेशन ऑल आउट में 3 महीने में 88 आतंकी मारे गए हैं। पिछले कुछ महीने में जो बड़े आतंकी मार गिराए गए, उनमें लश्करे तैयबा का कुलगाम में कमांडर जुनैद मट्टू, लश्करे तैयबा का अनंतनाग में कमांडर बशीर लश्करी, लश्करे तैयबा का दक्षिण कश्मीर कमांडर अबू दुजाना, हिजबुल मुजाहिद्दीन का शोपियां में कमांडर सद्दाम पुद्दार, हिजबुल मुजाहिद्दीन का बडगाम कमांडर मोहम्मद यासीन, हिजबुल मुजाहिद्दीन का कुलगाम कमांडर अल्ताफ डार शामिल है। अब जो मोस्ट वांटेड आतंकी बचे हैं, उनमें कश्मीर में आईसिस का सबसे बड़ा आतंकवादी जाकिर मूसा, हिजबुल मुजाहिद्दीन का कमांडर रियाज नायक, लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी जीनतुल इस्लाम उर्फ अलकामा, लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी वसीम उर्फ उसामा, जैश मोहम्मद का आतंकवादी अबू हमास, लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी शौकत ताक उर्फ हफेजा शामिल है। ये कश्मीर में पत्थरबाजों और आतंक के एजेंट अलगाववादियों को क्लियर मैसेज है कि जब तक आतंकवाद और हिंसा की कमर नहीं तोड़ेंगे, सुरक्षा बल किसी को नहीं छोड़ेंगे। आतंक के एजेंट अलगाववादियों का ऑपरेशन तो चल रहा है, आतंकवादियों के ऑपरेशन में सुरक्षा बल भी लगे हुए हैं। पत्थरबाजों पर भी कोई रहम अब नहीं होगी, न ही पत्थरबाजों को बर्दाश्त किया जाएगा, न ही ये पत्थरबाज अपने आतंकवादियों को बचा पाएंगे। लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी अबू दुजाना को कैसे घेरा गया, कैसे अबू दुजाना को बचाने आए पत्थरबाजों से निपटा गया, ये इनसाइड स्टोरी भी हम आपको बताते हैं। कल करीब आधी रात को सुरक्षा बलों के अधिकारियों को फोन आने शुरू हुए, ये पुख्ता सूचना मिली कि पुलवामा के एक घर में अबू दुजाना मौजूद है। ये जगह पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करीब 13 किलोमीटर दूर थी। सुरक्षा बलों ने बिना समय गंवाए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की क्रैक टीमों को भेजा। दक्षिण कश्मीर के डीआईजी पुलिस बिना देर लगाए पुलवामा के गांव पहुंचे। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सेना की विक्टर फोर्स, सीआरपीएफ की 182 बटालियन और पुलवामा पुलिस ने आसपास के इलाके को घेर लिया। पहला टास्क था
ये एनकाउंटर से पहले घर के आसपास के लोगों को सुरक्षित हटाया जाए क्योंकि ये घर घनी आबादी वाले इलाके में था। इसके बाद चुनौती थी कि घर के अंदर मौजूद 6 अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर लाया जाए। आतंकवादी ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया लेकिन हिम्मती कमांडोज एक तरफ से एंट्री की कवर फायर के साथ 6 अन्य लोगों को सुरक्षा बल सुरक्षित बाहर निकाल कर ले आए। अबू दुजाना और उसका साथी आरिफ बट को 6 घंटे के अंदर मार गिराया गया। अबू दुजाना हो या फिर बुरहान वानी, इन जैसे आतंकवादियों को कश्मीर में आतंक के एजेंट, कश्मीर का हीरो बनाते हैं, इनके नाम पर आम कश्मीरियों को भड़काते हैं, कश्मीर में हिंसा की आग लगाते हैं, कारोबार बंद करवाते हैं, स्कूल बंद करवाते हैं, आम कश्मीरियों की जिंदगी का चैन सुकून छीन लेते हैं। और ये सब होता है कश्मीर में आजादी और अलगाववाद के नाम पर, जिसमें हथियार उठाने वालों, पत्थर चलाने वाले, कश्मीर के असली गुनहगारों को भी साजिश के तहत सही ठहराया जाता है। लेकिन ये सच ये है कि ये आतंकवादी और इनके चाहने वाले कश्मीर में अलगाववाद और आजादी के नाम पर अय्याशी करते हैं। अबू दुजाना जैसे आतंकवादियों की अय्याशियों की कहानी लंबी निकल कर आई है, जो उन बेशर्म लोगों की खोखली सोच को सामने लाता है जो अबू दुजाना के जरिए भारत को तोड़ने के सपने देखते हैं। आईफोन 7 जैसे महंगे मोबाइल फोन और कई गर्लफ्रेंड से लगातार कॉन्टैक्ट, लश्कर के आतंकवादी अबू दुजाना तक सुरक्षा बलों के हाथ पहुंच न पाते अगर अबू दुजाना की अय्याशियों के बारे में पता नहीं होता। पहले 11 बार सुरक्षा बलों के हाथ से फिसल जाने वाला दुजाना इस बार मारा गया तो इन्हीं अय्याशियों की वजह से। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक कुछ महीने पहले जब अबू दुजाना भागा था तो उसका आईफोन 7 एक कार से मिल गया था। इस आईफोन से पता चला कि पाकिस्तानी आतंकी अबू दुजाना लगातार कश्मीर की स्थानीय लड़कियों के संपर्क में था। पिछले 3-4 साल से दक्षिण कश्मीर को अड्डा बनाने वाला अबू दुजाना स्थानीय कश्मीरी लड़कियों का शोषण करता था। पिछले कुछ महीने से अबू दुजाना अंडरग्राउंड था क्योंकि सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट फुल फॉर्म में चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से वो पुलवामा में अपनी पत्नी रुकैया और अपनी गर्लफ्रेंड शाजिया के घरों में आता जाता रहा है। खुफिया एजेंसियों और पुलिस की नजर इन दोनों घरों पर लगातार थी और अबू दुजाना को इस बार कोई मौका नहीं देने का लक्ष्य था। दुजाना अपनी अय्याशियों के लिए पुलवामा के इलाके में खौफ का नाम बन चुका था, जिससे आखिरकार कश्मीर को मुक्ति मिल ही गई। दुजाना, यू नो, ही हैड बिकम मोर ए न्यूसेंस इन द एरिया बाय वे ऑफ, आई डोंट वांट टू यूज दोस वर्ड्स, ही हैड बिकम I saw for everybody, especially the girls in the area. It was his sweet will now to enter any house and do whatever he wanted to do. Good riddance that way. I think people should relax, the girls, our sisters, they should relax now that no such persons will be there to harass them anymore. ये है कश्मीर के उन अय्याश आतंकवादियों का असली चेहरा, जिन्हें कश्मीर का हीरो बनाने की कोशिश की जाती है और जिनको बचाने के लिए कश्मीर के पत्थरबाज और अलगाववादी सबसे आगे रहते हैं। आज सुबह जब दुजाना को सुरक्षा बलों ने घेरा तो वो इन्हीं अय्याशियों के बीच पत्थरबाजों के सहारे फिर से भाग जाने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन इस बार अय्याश अबू दुजाना कामयाब नहीं हुआ। लंबे समय से सेना और सुरक्षा बलों को चकमा दे रहा लश्कर कमांडर अबू दुजाना आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच गया। अबू दुजाना का आईफोन उसकी मौत की बड़ी वजह बना। पिछले एक ऑपरेशन के दौरान अबू दुजाना का स्मार्टफोन सुरक्षा बलों के हाथ लग गया। उसके बाद उसके आईफोन को खंगाला गया और उसके नंबर को ट्रैकिंग पर लगा दिया गया। आखिरकार आज उसकी सही लोकेशन मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने उसे घेर लिया। पिछले कुछ समय पहले ही सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकी बशीर लश्करी को भी मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए मार गिराया था। सिर्फ अबू दुजाना ही नहीं, कश्मीर में अलगाववाद और आजादी के नाम पर अय्याशी करने वाले आतंकवादियों की लंबी लिस्ट है, जिनको हीरो बनाते हुए कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंटों को शर्म भी नहीं आती, जिनका नाम लेकर कश्मीर में आग लगाने का काम किया जाता है। बुरहान वानी को भी सुरक्षा बलों ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की दी सूचना पर घेरा था। 2012 में आतंकी अब्दुल्ला उनी भी सोपोर में इन्हीं अय्याशियों के चक्कर में मारा गया था। लश्कर का आतंकी अबुतुल्ला को भी उसकी अय्याशियों की वजह से सुरक्षा बल पकड़ पाए। अबू दुजाना के साथ मारा गया आतंकी आरिफ बैंकों को लूटने का काम करता था। कश्मीरी लड़कियों के शोषण से लेकर बैंकों को लूटने तक ये आतंकवादी लगे रहते हैं। अबू दुजाना कश्मीरी लड़कियों के बीच खौफ का दूसरा नाम था। पुलवामा का पूरा इलाका अबू दुजाना की अय्याशियों से परेशान था।
फिर भी अबू दुजाना कश्मीर के उन कुछ आतंकी एजेंटों का दुलारा था जो ऐसे चेहरों को हीरो बनाने के ही काम में लगे रहते हैं। यही वजह है कि आतंकवादी के मारे जाने के बावजूद कश्मीर में इन आतंकी एजेंटों ने प्रदर्शन किए। दो दिन के लिए कश्मीर को अलर्ट किया गया। आई थिंक एक बड़ा जरूर है क्योंकि ये एक बड़ा नाम बन गया था और एलईटी को इससे वापस आने के लिए कुछ टाइम लगेगा। अबू दुजाना ज्यादातर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाता रहा है। उस पर 30 लाख रुपए का इनाम था। वो 2010 में पाकिस्तान से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रास्ते जम्मू कश्मीर में आया था। पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हो या फिर उधमपुर में बीएसएफ पर पिछले साल हमला, अबू दुजाना इस आतंकवादी हमलों में शामिल था। अबू दुजाना पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से लगातार संपर्क में रहता था और उनके इशारे पर कश्मीर में आतंकवादी हमलों को अंजाम देता था। खुफिया एजेंसियों को अबू दुजाना और उसके पाकिस्तानी हैंडलर्स सैफुल्ला साजिद की बातचीत के टेप भी मिले हैं। इस बातचीत में अबू दुजाना के आतंकियों को कश्मीर में बंदूक लूटने पर 1 लाख रुपए का इनाम देने की बात है। सैफुल्ला ने दुजाना से फातिमा नाम की एक लड़की के संपर्क में रहने और बातचीत करने पर होशियार रहने को कहा। कश्मीर में लश्कर के सबसे बड़े कमांडर अबू कासिम के एनकाउंटर के बाद अब अबू दुजाना को कश्मीर में लश्कर का सबसे बड़ा आतंकी बनाया गया था, जिसकी अय्याशियों के साथ आखिरकार आज उसका खात्मा हो गया। आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अबू दुजाना लगातार पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आका सैफुल्ला साजिद जट से संपर्क में था और जो लड़कियां लगातार उससे बातचीत कर रही थी उसको लेकर के सैफुल्ला साजिद जट ने अबू दुजाना से कहा था कि होशियार हो जाइए, लड़कियों से बात कम करिए। सुरक्षा एजेंसियां लगातार इसके फोन को ट्रैप कर रही थी और उसके बाद जिस तरीके से इस आतंकी को मार गिराया गया उसमें साफ तौर पर इसके फोन कॉल्स ने सबसे ज्यादा मदद की है। दिल्ली से कैमरामैन संजीव कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।